नास्त्रेदमस दुनिया के एक महान भविष्यवक्ता थे जो अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई थी, जिसमें 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की भविष्यवाणी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें कहा गया था कि दो लोहे के पक्षी नई भूमि की दो बड़ी सी चट्टान से टकराएंगे जिसके बाद युद्ध होगा। उनके अनुसार इसके बाद से दुनिया में भारी परिवर्तन होंगे, सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष बढ़ेगा। भारत को लेकर भी उन्होंने कई भविष्यवाणियां की। आपको बता दें, उन्होंने एक ऐसे महापुरुष को लेकर भविष्यवाणी की थी जिसका जन्म एक ऐसे देश में होगा जो कि तीनों ओर से महासागरों से घिरा होगा, जिसका नाम हिंद महासागर से लिया जाएगा। तीनों ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। हालांकि तीन ओर से और भी देश घिरे हुए हैं, जैसे बर्मा, मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन, इटली आदि। लेकिन इन देशों के महाशक्ति बनने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और दूसरी बात ये थी कि नास्त्रेदमस ने आगे चलकर ये स्पष्ट किया था कि वो देश एशिया में, और जिसका नाम सागरों के नाम पर ही आधारित है। जी हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। नास्त्रेदमस का ना पीएम मोदी से कोई कनेक्शन था, ना ही बीजेपी से और ना ही देश की राजनीति से। लेकिन फिर 460 साल पहले उनकी आंखों ने वो सब कुछ देख लिया था जो आज हो रहा है और आज जो होने वाला है। देश को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लेकर आखिरकार नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है, आइए देखिए। साल 1555, जब फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो जुड़ा था भारत की तकदीर से, भारत में वो होगा जो दुनिया में नहीं होगा। एक गरीब घर में पैदा हुआ दुनिया का मुक्तिदाता, लेकिन बाद में सभी उससे प्यार करेंगे। 460 साल पुरानी ये भविष्यवाणी तब सच साबित हुई जब गुजरात के वडनगर के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोदी ने 26 मई 2014 में बतौर प्रधानमंत्री देश की सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि गरीबी की मार झेल रहा जो बच्चा स्टेशनों पर चाय बेचा करता था, एक दिन देश का महान नायक बनेगा। ताज्जुब की बात है, जिस नरेंद्र मोदी का नास्त्रेदमस से कोई कनेक्शन नहीं था, उन्होंने विश्व में भारत को शक्तिशाली बनाने में पीएम मोदी की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी ये तक बता दिया। इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले 20 सालों तक देश की कमान कैसे अधेड़ उम्र के शख्स के हाथों में जाएगी जो भारत को अंतरराष्ट्रीय जगत में एक नई पहचान दिलाएगा। इसका मतलब साफ है कि 20 सालों तक देश का नेतृत्व पीएम मोदी ही करेंगे। ऐसा नहीं था कि नास्त्रेदमस ने सिर्फ पीएम मोदी को लेकर ही ऐतिहासिक भविष्यवाणी की थी। आयरन लेडी से लेकर राजीव गांधी तक, 9/11 हमले से लेकर परमाणु हमला और लेडी डायना से लेकर हिटलर पर भी उनकी हर एक भविष्यवाणी हकीकत साबित हुई। कोई सोच नहीं सकता था कि भारत की आयरन लेडी को उसका बॉडीगार्ड उन्हें मौत की नींद सुला देगा। लेकिन 500 साल पहले नास्त्रेदमस ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि वो अपने शासन की ओर वापस आएंगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और वो विजेता बनकर उभरेगी। लेकिन 50 से 70 साल में ही मौत सुनिश्चित है। उसकी आंखों ने देख लिया था कि एक महान पायलट एक देश का राजा बनेगा, एक खाली जगह को भरेगा, लेकिन 7 साल बाद उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और शिवसेना के एक राजद्रोह का सामना भी करना होगा। बोफोर्स घोटाले के दागों ने राजीव गांधी की ईमानदार छवि को प्रभावित किया। महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने 9/11 के हमले पर कह दिया था कि धरती के केंद्र से एक ज्वालामुखी फटेगा, एक नए युग का जन्म होगा। 1999 के वर्ष के 7वें महीने में आतंक का एक नया महाराज होगा। यहाँ पर लोग सेंटर ऑफ अर्थ शब्द का अंदाजा वर्ल्ड ट्रेड से लगाते हैं और अत्थरों को ओसामा बिन लादेन से जोड़कर देखते हैं। वहीं अपनी किताब प्रोफेसीज में नास्त्रेदमस ने प्रिंसेस डायना का भी जिक्र किया। उनकी आंखों ने जो देखा उसे शब्दों में बयां करते हुए उन्होंने कहा था कि ईश्वर के दूत डायना को उसके दिन और बाकी बची जिंदगी से वापस ले लेंगे।
नास्त्रेदमस ने इस बात के भी संकेत दे दिए थे कि पश्चिम यूरोप की गहराइयों में एक बच्चे का जन्म होगा जो अपने शब्दों से अपनी सेना को प्रभावित करने की शक्ति रखता होगा। उसके बाद WO दुनिया पर शासन करने की ओर अग्रसर होगा, जिसे हिटलर से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने ये भी लिख दिया था कि एक बड़ी मुसीबत से इंसानी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा, जिसे लोग परमाणु हमले से जोड़कर देखते हैं। 5 साल पहले नास्त्रेदमस ने अपनी ज्योतिष गणना में जो जो भविष्यवाणी की वो हकीकत के पथ पर अग्रसर है। नास्त्रेदमस के भविष्यवाणियों का पहला भाग सच साबित हो गया। जी हाँ, एक नए नेता के साथ भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। अब उनकी भविष्यवाणियां भी सच साबित होती हुई दिख रही हैं, जिसमें उन्होंने भारत के शक्तिशाली देश बनने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि विश्व शक्तिशाली के रूप में भारत उभरेगा और भारत के दुश्मनों का नाश हो जाएगा। भारत से 200 मील दूर नास्त्रेदमस जानते थे कि 21वीं सदी में भारतीय राजनीति में एक बदलाव आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि एशिया समेत पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डालेगा। प्रोफेसिस बुक में लिखा था कि भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होगा, उसे यह दर्जा अपने महान शासक की बुद्धि के दम पर हासिल होगा। देश की कमान PM मोदी के हाथों में आई। उनके नेतृत्व में भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दिया। नोटबंदी पर जहां घर के अंदर कालाधन रखने वालों की कमर टूट गई, वहीं देश का राजस्व भी बढ़ा। GST के रूप में सबसे बड़ा कर सुधार शुरू हुआ। स्वच्छ भारत अभियान से घर घर शौचालयों का निर्माण करवाया। देश को डिजिटल इंडिया में तब्दील किया। मंगलयान मिशन से जहां अंतरिक्ष के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी, तो वहीं ऐतिहासिक बिल पारित कर देश की शक्ल बदल दी। पीड़ित महिलाओं के झोले में 3 तलाक के खिलाफ कानून बदला। जम्मू कश्मीर को 370 की बंदिशों से आजाद किया। घुसपैठियों को रोकने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लागू किया। वहीं दूसरी ओर दुश्मनों की अकल ठिकाने लगा दी। सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। तो डोकलम में चीनी सैनिकों का डटकर सामना करके देश के जवानों ने भी ड्रैगन को समझा दिया कि अब का भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर PM मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी लड़ाई छेड़ी कि आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि अब पाकिस्तान के रोने वाले हालात हो गए हैं। दुश्मनों की नापाक हरकतों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। नास्त्रेदमस की माने तो साल 2015 से लेकर 2025 के बीच दुनिया में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। इस हालात में भारत शांति स्थापना में अहम रोल निभाएगा। सभी देश उसकी मदद की आस लगाएंगे। राष्ट्रनायक की प्रसिद्धि, प्रशंसा, शक्ति, सत्ता बढ़ जाएगी। जमीन और समंदर में उसके जैसा शक्तिशाली दूसरा नहीं होगा। यानी आने वाले समय में पूरी दुनिया को भारत का राष्ट्रनायक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत शक्तिशाली मुल्क के तौर पर उभर रहा है। देश में उभरती अर्थव्यवस्था, निवेश के लिए विशाल बाजार, ऊपर से मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ने विश्व जगत में 5 सालों में भारत को नई पहचान दिलाई है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी पर गौर किया जाए तो PM मोदी का वो सपना भी साकार होता दिख रहा है, जिसमें उन्होंने भारत के विश्व गुरु बनने की बात कही थी। यहाँ तक कि दलाई लामा भी बात मानते हैं कि भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है। 21वीं सदी का भारत PM मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर सुपर पावर बनने के पथ पर अग्रसर है। सो दोस्तों, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या भारत सुपर पावर बन सकता है? क्या भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है? कमेंट जरूर कीजिए। हम सब आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं और पढ़ेंगे भी। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।